भारत की नदियों पर बने 5 सबसे लंबे पुल, दूर दूर से इनको देखने आते हैं लोग। बांद्रावली समुद्र सेतु, इसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सागर सेतु के नाम से जाना जाता है। यह बांद्रा को बोरली से जोड़ता है और इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। एक आंकड़े के मुताबिक रोजाना इस पर करीब 45,000 वाहन चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। यह भारत का नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। विक्रमशिला सेतु, गंगा पर निर्मित इस पुल का नाम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 और 31 के समानांतर और गंगा के विपरीत बनाया गया है। इस पुल की कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। वेम्बनाड पुल, केरल में स्थित वेम्बनाड पुल की लंबाई करीब 4.62 किलोमीटर है। यह पुल केवल मालगाड़ियों और यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है। वेम्बनाड पुल की सबसे बड़ी खासियत यह कि यह झील के ऊपर बना है। गंगा रेल रोड ब्रिज, बिहार में स्थित यह पुल दीघा घाट और पहलेजा घाट को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यह पुल अब बिहार की शान है। इस अद्भुत गंगा रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन फरवरी 2016 को हुआ था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।